गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिविका एंड मैं वीडियोज़ बनाती हूँ कुकिंग बेकिंग प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड मेकअप पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑन द चैनल। तो बिना कोई देरी के लिए स्टार्ट है टुडेज वीडियो। सो गाइज, जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा, आज हम करने वाले हैं मिनीसो हॉल पार्ट टू। मिनीसो हॉल पार्ट वन जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, उसको भी जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। एंड उसको आप लोगों से इतना प्यार मिला ना कि मेरे को लगा और एक वीडियो उस पर होनी ही चाहिए, इसलिए मैं ले आई हूँ मिनीसो से कुछ इतने सारे सामान जिनको मैं रिव्यू करने वाली हूँ एंड बताने वाली हूँ कि ये कैसे है। सो या बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो गाइस, जो पहला प्रोडक्ट हमें पैकेट से मिल रहा है दैट इज द फेस स्क्रब बाय मिनीसो। दिस इज अ चेरी ब्लॉसम फेस स्क्रब एंड आपको इसमें मिल जाता है 100 ग्राम की क्वांटिटी एट एमआरपी ऑफ ₹160। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स की होती है। आई विल नॉट से कि दिस इज द बेस्ट फेस स्क्रब, बट हाँ ये क्लीन कर देता है, डिसेंट है और बिल्कुल भी, मैंने इसको बहुत बार यूज़ कर लिया है अभी तक, बिल्कुल भी मेरे को कुछ भी एंड मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मेरी स्किन में मेरे को बिल्कुल भी रैशेज या फिर कुछ ऐसा इन्फेक्शन काइंड ऑफ विजिबल नहीं हुआ है। एंड या दिस इज अ डिसेंट प्रोडक्ट एट दिस प्राइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइज, द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज दिस ट्रैवलिंग बॉटल सेट। द MRP इज ₹190 एंड 190 में यू विल गेट अ पम्प बॉटल, ए स्प्रे बॉटल एंड अ नॉर्मल बॉटल एंड 3 कंटेनर्स। विद दैट यू आर गेटिंग स्ट्रेनर काइंड ऑफ थिंग, इतना छोटू सा है जिससे आप आसानी से अपने जो प्रोडक्ट है जो भी इसमें फिलअप करने वाले हो बहुत आसानी से फिलअप हो जाएगा। एंड इसी के साथ आपको एक छोटा सा स्पैचुला भी मिल जाएगा, आप जो कंटेनर्स में प्रोडक्ट डालने वाले हो वो भी आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो मेरे को ये बहुत अट्रैक्टिव लगा एंड बहुत अच्छा लगा, कलर वाइज क्वांटिटी क्वालिटी मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगी और प्राइस वाइज भी। ऑल्दो आपको इसमें ₹150 के भी मिलेंगे प्रोडक्ट्स जिसमें 2 बॉटल्स एंड 2 कंटेनर्स थे और बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल थे, मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा इसलिए मैंने ये वाला लिया। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये शावरिंग और बाथिंग सेट। इसमें आपको 3 चीज़ें मिल जाती है, 1 इज सोप कंटेनर, अनदर इज कॉम्ब एंड 3rd इज लूफा। गाइज, जो सोप कंटेनर है वो है कुछ इस तरह का बॉक्स काइंड ऑफ एंड ये इस तरह से ओपन हो जाएगा एंड क्वालिटी काफ़ी सही है, काफ़ी स्टर्डी क्वालिटी है। जो नेक्स्ट चीज़ हमको मिलती है इसमें दैट इज़ अ कॉम्ब। कॉम्ब भी काफ़ी सही क्वालिटी का है, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं है, बहुत अच्छा है एंड इसके ब्रिसल्स बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत अच्छे हैं। जो 3rd प्रोडक्ट है दैट इज दिस लूफा विच इज़ अ वेरी सॉफ्ट लूफा। तो ₹150 में ये 3 चीज़ों का मिलना इज़ अ ग्रेट डील, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइज, इस बार ना मिनीसो में स्टोरेज बॉक्सेस का बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था तो मैंने बहुत सारे स्टोरेज बॉक्सेस लिए हैं, जिनमें से जो फर्स्ट है दैट इज़ दिस स्टोरेज बॉक्स। यू कैन सी काफ़ी क्यूट है, इसको आप इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हो या फिर इस तरह से ओपन करके भी यूज़ कर सकते हो और इसकी MRP है ₹150। सो जैसे कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि मेरे को पिंक कलर बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको पिंक कलर में लिया एंड या दिस वॉज रियली क्यूट एंड क्वालिटी काफ़ी सही है इन सब चीज़ों की। एट दिस प्राइस 150 में इसकी क्वालिटी बहुत सही है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस एज वेल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये सुपर क्यूट मिनियन ड्रॉयर। ये आप ऑफिस टेबल पे या फिर मेकअप रखने के लिए या फिर स्टेशनरी रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से ड्रॉयर है और ये प्लास्टिक है एंड इसकी MRP है ₹260, जो मेरे को थोड़ा प्राइसी लगा बट ये इतना क्यूट था ना कि मैंने ये ले लिया। रियली नाइस प्रोडक्ट और बहुत क्यूट भी है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस एज वेल इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है ये कंप्रेस्ड शीट मास्क। दिस रिटेल्स फॉर ₹150 और 150 में आपको 30 क्वांटिटीज मिल जाती है इसकी और इसमें बहुत सारे साइजेस, बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है मिनीसो में। अगर आप कभी भी मिनीसो गए हो ना तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर दिखा होगा, आई कैन बेट ऑन दिस, बिकॉज ये प्रोडक्ट हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहता है और बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल रहता है। मैंने ये साइज चूज किया एंड ये काफ़ी सही रहता है, लाइक व्हेन आई वांट टू अप्लाई रोज वाटर ऑन माय फेस तो मैं इसको जस्ट रोज वाटर में डिप करती हूँ और इसको लगा लेती हूँ और काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और स्किन के लिए भी स्किन फ्रेंडली है, बिल्कुल भी रैशेज वगैरह कुछ नहीं होंगे इससे। सो दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस प्रोडक्ट।
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो गाइज जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है ये सुपर क्यूट प्रिंटेड टिश्यूज, फेस टिश्यूज. ऑल्सो मैं इमरजेंसी के लिए हमेशा टिश्यूज अपने बैग पे कैरी करती हूँ, मैं इसको रेगुलर यूज नहीं करती हूँ बिकॉज यू शुड नॉट यूज टिश्यूज उतना ज्यादा. सो ये प्रिंटेड है, आपको साइड में दिख रहा होगा इसका प्रिंट, सुपर क्यूट है और 60 रुपीज में मिलता है आपको ये पूरा पैकेट. इसमें यूनिट्स नहीं लिखे हुए हैं, लाइक काफी सही है, सॉफ्ट है एंड प्राइस के लिए आई विल नॉट से कि बहुत चीप है बट डिसेंट प्राइसिंग है, तो मेरे को ये प्रोडक्ट भी काफ़ी सही लगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है ये परफ्यूम. मैंने इस बार मिनीसो से परफ्यूम लिया है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट रिटेल्स फॉर ₹200 फॉर 13 ml ऑफ प्रोडक्ट. इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट इज फ्री लैंड. ऑल दो इसमें आपको और भी बहुत सारे फ्रेग्रेंस मिल जाएंगे, मेरे को ये फ्रेग्रेंस सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें दिस इज एक्वा स्मेल, अ फ्रेश स्मेल विद अ हिंट ऑफ फ्लोरल. सो ये मेरे को काफ़ी सही लगा. तो आपको अगर वैसे स्मेल पसंद है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. इसका मतलब पैकेजिंग भी काफ़ी सही है अगर आप गिफ्टिंग पर्पज के लिए लो एंड इसकी यू नो क्वान्टिटी भी सही है फॉर द प्राइस वी आर पेइंग फॉर इट. और बॉटल काफ़ी सही लगती है देखने में एंड यू कैन डेफिनेटली कैरी इट एनी वेयर बिकॉज बहुत टाइनी बॉटल है. सो ये प्रोडक्ट भी मेरे को काफ़ी सही लगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो गाइस जो लास्ट प्रोडक्ट्स हैं ना वो वैसे तो सिंगल यूनिट्स में आए हैं बट मेरे को उसको साथ में यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है. प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनाइजर एंड दिस ड्रॉर, ये दोनों अलग अलग आए हैं बट इन दोनों का साइज वगैरह सब एकदम इतना सेम है ना कि मैं इसको साथ में यूज़ कर रही हूँ. और ये काफ़ी स्टर्डी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, MRP है ₹200 ईच. तो क्वालिटी के हिसाब से एंड यू नो यूसेज के हिसाब से मेरे को ये काफ़ी सही लगा. यहाँ पे आप अपना मेकअप का सामान रख सकते हो या स्टेशनरी रख सकते हो, ड्रॉर है, आप इसमें अपनी ज्वेलरी रख सकते हो या फिर जो सामान यहाँ पे आपके फिट नहीं हो रहा है वो यहाँ पे रख सकते हो. तो ये काफ़ी सही लगा मेरे को, क्वालिटी काफ़ी सही लगी एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम टुडेज हॉल. तो मेरे को ये काफ़ी सही लगा, आपको भी अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू. सो या सो गाइज ये था हमारा मिनीसो हॉल. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर ऑल्सो मिनीसो फैन लाइक मी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड ये भी बताइएगा कि आपको इन प्रोडक्ट्स में से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा और कौन से प्रोडक्ट के लिए आप अभी अभी मिनीसो जाने वाले हो. सो ये शेयर इट टू योर लव्ड वंस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं ऐसे वीडियोज और भी बना पाऊँ और भी नए कॉन्टेंट्स ला पाऊँ. एंड या हिट द बेल आइकन टू स्टे कनेक्टेड एंड गिव योर लव टू मी. बाय बाय.